क्षेत्र के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारों ने थाना अधिकारी रामचंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर कथित कांग्रेस महामंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्रकार नरेंद्र आचार्य, कैलाश चिड़ीवाल, दीपक रंकावत ने दिए ज्ञापन में बताया कि गत दिनों मंगलियावास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाल निवासी जेठाना लोकेश जिया अवैध शराब कारोबार में लिप्त पाए जाने पर आबकारी की धाराओं में गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कार्रवाई किए जाने पर प्रेस नोट जारी की गई थी। प्रेस नोट के आधार पर खबरें बनाई गई। इस पर बौखलाए महामंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर पत्रकारों को असामाजिक तत्व बताते हुए कई प्रकार के आरोप लगाए। पत्रकारों ने कलेक्टर अजमेर को भी ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई कराने की मांग की है। प्रिंट मीडिया पत्रकार मंगलियावास, आज मंगलियावास थानाधिकारी रामचंद्र जी कुमावत को हम सभी मीडिया वालों ने एक ज्ञापन देकर कथित कांग्रेस महामंत्री के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग की है। कथित महामंत्री ने आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करते हुए सभी पत्रकारों को असामाजिक तत्व बताया और उन पत्रकारों के खिलाफ अनर्गल कई प्रकार के आरोप लगाए जो उचित नहीं था। थानाधिकारी जी को ज्ञापन देकर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं हमारे ज्ञापन में हमने तथ्यों के साथ कांग्रेस महामंत्री पद के दुरुपयोग करने जैसी शिकायत भी बताई है और कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकारिणी में कहीं भी महामंत्री का पद नहीं होता है, जबकि यह है कथित महामंत्री महामंत्री का लोगो लगाकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम कर रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के महामंत्री के लोगो लगाकर लोगों को भ्रमित करने के आरोप में भी कार्रवाई करवाने की मांग की है। थानाधिकारी जी ने हम सभी पत्रकारों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। धन्यवाद।